हेलो एवरीवन, फेस टॉक में आपका स्वागत है। मैं शाम्स। आज हम जानेंगे, जैसे पिछले दो दिनों से जी एंटरटेनमेंट और डिश टीवी और जी से रिलेटेड जितनी कंपनी थी उसकी काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ आई हैं, जिसके वजह से दोनों कंपनी मोर देन 30% से ज़्यादा क्रैश हुई हैं। आज दो नेगेटिव न्यूज़ के अलावा आज हमारे पास एक पॉजिटिव न्यूज़ है, जो कि है येस बैंक की तरफ से। येस बैंक में अगर आप जैसे पहले से होल्ड कर रहे होंगे तो आपको पता होगा लास्ट टाइम कैसे ड्रास्टिकली इसके अंदर अब चेंज हुआ था, स्टॉक बहुत ज़्यादा टूटा था। अब एक पॉजिटिव सेंटीमेंट्स आई है येस बैंक की तरफ से, और ये जो पॉजिटिव सेंटीमेंट्स मैं बता रहा हूँ ये आपको चार्ट में भी देखने को मिलेगा। सो रिसेंटली, जैसे कि आपको पता होगा कि येस बैंक के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे राणा कपूर, उनका टेन्योर ओवर हो रहा था। तो अभी उसके रिप्लेसमेंट में किसको उनका रिप्लेसमेंट करें या कौन नया सीईओ आएगा वो क्लियर नहीं था। अब वो जो पॉइंट है अब वो क्लियर हो चुका है। अभी जो इसमें सीईओ आएंगे वो उनके पहले के कलीग ही हैं। वो किसी टाइम पे फॉरेन बैंकिंग फर्टर्निटी में दोनों एक साथ पहले थे। अब जो राणा कपूर हैं उन्होंने फिर अपना येस बैंक से उन्होंने अपनी करियर स्टार्ट की, फिर उसको उसके आगे बढ़े। उनके जो कलीग थे मिस्टर रवनीत गिल, तो उन्होंने डच बैंक में अभी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। अब वो वहाँ से छोड़ के अब वो येस बैंक ज्वाइन कर रहे हैं। बिल्कुल अभी जो टाइम टेन्योर ख़त्म हो रहा है, नेक्स्ट जो टेन्योर स्टार्ट होगा 3 इयर्स के लिए, आरबीआई ने अप्रूवल दे दी है रवनीत गिल को। तो आने वाले 3 साल के लिए रवनीत गिल जो होंगे वो होंगे येस बैंक के नेक्स्ट सीईओ। तो उसके अलावा भी अनदर पर्सन कुछ बोर्ड मेंबर अपॉइंट होंगे, लेकिन जो मेजर रोल है वो रवनीत गिल का ही है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए चलिए एक बार इस स्टॉक का हम एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं कि क्या जो रवनीत गिल आ रहे हैं अभी तो इसका कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा इस स्टॉक के ऊपर, और क्या एक्चुअल में ये सही है या अभी हमें बाई करना चाहिए स्टॉक को या नहीं करना चाहिए, वो भी एक बार हम एनालिसिस करके आज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने अगर मेरा पेज सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस आपको मिलने वाली है, राइट, लेटेस्ट न्यूज़ मिलने वाली है मेरे चैनल से आपको। जैसे कि सबसे पहले मैंने जी और डिश टीवी के जो कंटेंट से रिलेटेड मैंने डाला था सबसे पहले वीडियो के इन दो शेयर्स का रीज़न क्या है, सबसे पहले मतलब डाउन क्यों हो रहे हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं येस बैंक का शेयर्स मैं ओपन कर लेता हूँ। लेट्स ओपन येस बैंक। सो अगर हम डेली बेसिस पे देखें चार्ट को तो आपको पता होगा कि अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा क्रैश हुआ था मार्केट में, बहुत ज़्यादा नेगेटिव आई थी। उसके बाद कॉन्स्टेंटली एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था स्टॉक। यहाँ से अगर आप यहाँ से देखें अगस्त से लेके कॉन्स्टेंटली स्टॉक के अंदर एक नेगेटिव ट्रेंड आ रहा था। पहले वो कॉन्सोलिडेट मोड में था, देन उसके बाद फिर नेगेटिव ट्रेंड में कॉन्स्टेंटली चला। अभी ये देखिए यहाँ पे ये जो रेंज है ये रेंज को बोलते हैं कॉन्सोलिडेशन मोड। डाउन ट्रेंड और कॉन्सोलिडेशन मोड में आपको समझना बहुत ज़रूरी है। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, एक स्टॉक हाईर लेवल बनाने के बाद हर बार एक नया लो बनाता है, राइट, गिरता है। इस लेवल पे सपोर्ट लिया, सपोज 100 से वो गिरता है, 80 पे सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेके फिर बाउंस बैक करता है, वापस वो 100 को क्रॉस नहीं कर पाता, वो वापस 80 से फिर नीचे गिर जाता है 70 पे, और 70 से थोड़ा रिकवर करने की कोशिश करता है, फिर गिर जाता है 60 पे। तो ये जो कॉन्स्टेंटली हर बार एक नया लो बनाता है उसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड, राइट, कि कॉन्सोलिडेशन वो कॉन्स्टेंटली नेगेटिव ट्रेंड में है। तो जब भी कोई स्टॉक कॉन्स्टेंटली हर बार न्यू लो बना रहा हो तो उस टाइम में कभी भी उस स्टॉक के अंदर एंट्री ना करें तो सबसे बेस्ट है। तो फिर बहुत सारे लोग हैं कि उनको लगता है कि जब स्टॉक कॉन्स्टेंटली नेगेटिव में होता है तो एक राइट टाइम होता है उसमें एंटर करने का। जी बिल्कुल राइट टाइम होता है, लेकिन राइट टाइम कब आता है, जब वो स्टॉक डाउन ट्रेंड जो हर बार वो नेगेटिव बनाने के बाद वो एक कॉन्सोलिडेशन मोड में जाता है कॉन्स्टेंटली 1 month 2 month, किसी का साल भर तक भी वो कॉन्सोलिडेशन मोड में रहते हैं। तो कॉन्सोलिडेशन मोड में बिल्कुल होता है जिसको बोलते हैं साइडवेज मार्केट। साइडवेज में क्या होता है, ना ही वो लो बनाते हैं ना ही वो हाई बनाते हैं, तो एक रेंज में वो ट्रेड करता रहता है।
तो आप अगर यहाँ पे देखें थोड़े टाइम फ्रेम के लिए कॉन्स्टेंट डेट हुआ, अब ये देखिए इसका जो हर बार अब यहाँ से हाई बनाया और उस हाई को उसने तोड़ा। तो मैं जूम करके आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लो बना था, दूसरा उससे भी नीचे लो बना, थर्ड उससे ज़्यादा नीचे लो बना, अब यहाँ से देखिए अब इसको यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ, इससे ज़्यादा लो नहीं गया, अब इससे हाई बना, मतलब यहाँ से टर्न अराउंड स्टोरी यहाँ से शुरू हुई। और उसके बाद फिर इसका जो लो था, अब जो नेक्स्ट लो बना उसके ऊपर बना, राइट, यहाँ पे लो बना, अब उसके बाद थोड़ा क्रैश करेक्ट होने की कोशिश की, लेकिन प्रीवियस लो से भी नीचे नहीं गया और यहाँ से फिर वो स्टॉक ऊपर चला गया, राइट। तो अभी अगर आप इसको देखें कुछ दिनों के अंदर अंदर, तो ये थोड़ा सा कॉन्सोलिडेट होकर अब ये मोमेंटम की तरफ स्टार्ट हो रहा है। और डेली चार्ट के बेसिस पे अगर मैं इसको बताऊं आपको, तो डेली चार्ट के बेसिस पे इसके अंदर एक बाइंग सिग्नल जनरेट हो चुका है, यहाँ पे 13 and 48 डेज का मूविंग एवरेज ब्रेकआउट दे रहा है और 5 और 20 का तो यहाँ से ब्रेकआउट दे चुका था, राइट। तो अभी इसके अंदर ब्रेकआउट डेली कैंडलस्टिक के बेसिस पे इसके अंदर ब्रेकआउट आ गया है, लेकिन ये जो कैंडल है, ये कैंडल एक हमारे लिए सिग्नल है कि अभी इसके अंदर थोड़ी सी बहुत और करेक्शन हो सकती है। ये जो कैंडल है, इस कैंडल को बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर जो होता है, अगर इन्वर्टेड हैमर क्रिएट होता है तो उसके बाद चांसेस है कि वो स्टॉक और थोड़ा क्रैश और थोड़ा नीचे आ सकता है। ये हो गया डेली चार्ट के बेसिस पे। अगर आप लंबे टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा वीकली चार्ट या मंथली चार्ट आपको देखनी पड़ेगी। तो अगर मैं वीकली चार्ट पे आपको ये स्टॉक कंपेयर करके बताऊं, तो यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ था, तो यहाँ से सेलिंग प्रेशर बन चुका था, उसके बाद यहाँ पे अभी बाइंग सिग्नल पूरी तरीके से कन्फर्म नहीं हुआ है। अगर आप लंबे टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अभी इसमें कन्फर्म सिग्नल कन्फर्म नहीं मिला है, तो पॉसिबल है यहाँ से आहिस्ता आहिस्ते जब वो स्लोली कंसोलिडेट होकर ऊपर जाएगा, देन उसके बाद फिर चांसेस है कि ये स्टॉक के अंदर बाइंग सिग्नल आए। लेकिन वैसे अगर मैं एमएससीडी की बात करूँ तो एमएससीडी के अंदर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पॉजिटिव सिग्नल यहाँ पे ब्रेकआउट दिख रहा है, लेकिन ये ब्रेकआउट हमें और कन्फर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो हिस्टोग्राम का जो ज़ीरो लाइन है, वो ज़ीरो लाइन से ऊपर जब वो ब्रेकआउट देता है ना, उस टाइम पर फिर हमें बाय करनी चाहिए। तो और अगर मैं आरएसआई की बात करूं तो आरएसआई यहां पे देखिए ऑल टाइम लो था, उसके बाद इन स्लो एंड स्टेडीली आरएसआई के अंदर मोमेंटम हो रहा है, तो उसके मतलब स्टॉक के अंदर भी चांसेस है कि स्टॉक यहां से स्ट्रेंथ लेके ऊपर जाएगा। और अगर मैं स्टोकास्टिक और अदर इंडिकेटर की बात करूँ तो उनमें भी मुझे बाइंग सिग्नल दिख रहा है। तो ओवरऑल इसके स्टॉक के अंदर एक पॉजिटिव ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। और आप अगर विद इन 1 या 2 डेज के पहले आपने अगर इस स्टॉक को देखा होगा, विद इन 1 या 2 डेज के अंदर अंदर, तो इसके अंदर देखिए एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम आया था, यहाँ तक 232 के आसपास अगर देखें 235 स्टॉक ने 235 का हाई टच किया था, और दूसरा अगर हम लास्ट देखें ये 245 का भी हाई टच करके अब वो नीचे करेक्ट हो रहा है। क्योंकि ऑलमोस्ट क्या होता है कि जब भी कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे या ब्रेक हो जाता है और एक कंसोलिडेशन मोड पे रहता है या बॉटम पे टच करता है, उसके बाद क्या होता है ना, इमिडिएटली लोगों का उसके अंदर ट्रस्ट नहीं आता है इमिडिएटली। अब क्या होता है, जब भी वो थोड़ा बहुत ऊपर जाने लगता है या थोड़ी बहुत उसके अंदर मोमेंटम आने लगती है, जो टेम्परेरी जिन्होंने बाय किया है कुछ शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए, और वो थोड़ी बहुत जैसे ऊपर जाता है तो वो क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो उसी का नतीजा है जिसके वजह से इसके अंदर ये इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, स्टॉक नीचे गिर रहा है। लेकिन अल्टीमेटली अगर ये स्टॉक को हम लॉन्ग टर्म बेसिस पे फाइंड आउट करें और इसका लॉन्ग टर्म बेसिस पे अगर हम इसको एनालाइज करें तो स्टॉक के अंदर मुझे पोटेंशियल दिख रहा है। तो चलिए, जो 25th of January है फ्राइडे, तो फ्राइडे एक बार ये स्टॉक का देखते हैं कि कितनी ज़्यादा स्टॉक के अंदर होल्डिंग थी, तो वो भी एक बार देख लेते हैं कि जो टोटल वैल्यू ट्रेड हुई उसमें से कितना होल्डिंग में गया। तो एक बार यहाँ पे ओपन कर लेते हैं इधर 20%, तो 20% बहुत अच्छा नंबर नहीं है, ये मैं एक बार बताता हूँ कि 20% क्या है। तो जो टोटल ट्रेड हुआ, जितने शेयर्स बाय और सेल हुए, उसमें से कितने ज़्यादा डिलीवरी परसेंट में गया, तो अगर टोटल यहाँ पे आप अगर देखेंगे जो टोटल ट्रेड हुआ है वो इतने ज़्यादा हुआ है ट्रेड, सो आउट ऑफ दिस बहुत
कम यहाँ पे शेयर्स होल्डिंग पे गए हैं, तो उसके लिए समथिंग अराउंड 20%। सो 20% बहुत कम है, राइट? तो फिलहाल इसके अंदर तो मुझे हो, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि इन्वर्टेड हैमर आपको दिख रहा है, तो इन्वर्टेड हैमर आता है तो उसके अंदर फिर बाइंग सेलिंग सिग्नल बनती है, लेकिन अल्टीमेटली स्टॉक के अंदर एक स्ट्रेंथ आ चुका है, हो सकता है थोड़ा बहुत वो करेक्ट हो, लेकिन फिर यहाँ से ऊपर जाने के मैक्सिमम चांसेस हैं। और अगर इसका फंडामेंटल भी, शायद मैंने लास्ट एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने इसका फंडामेंटल भी एनालिसिस करके आपको भेजा था, अपलोड किया है, सो अगर आप चाहें तो वो वीडियो मेरा देख सकते हैं जिसमें मैंने फंडामेंटल के बारे में बताया हुआ है। और अभी अगर मैं वापस से वो फंडामेंटल बताऊंगा तो वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी। सो आज के लिए इतना ही, और आप अगर चाहें तो आप हमारे वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं जो कि है fairstock.in। यहाँ पे हम स्टॉक से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड, IPO, फ्यूचर ऑप्शंस से रिलेटेड कंटेंट्स यहाँ पे अपलोड होती हैं, तो fairstock.in है ये वेबसाइट, देख सकते हैं। तो इस पर आप लॉग इन करके कंटेंट है, फ्री कंटेंट है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ से, राइट? सो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोज़ आने वाले टाइम में मिलने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।